तो हुआ क्या, मैं यहाँ क्लॉक टावर पे उतरा, मैंने देखा मेरे पीछे की स्क्वाड उतरी है लेकिन कोई दिखा नहीं। मैंने फायर किया, अचानक से एम कनेक्ट हो गया। मैंने कहा कहाँ है बंदे, मैंने देखा सामने है, लेकिन अंदर जाते हुए मुझे और भी दो बंदे दिख गए। भाई ये देख के तो मैं एकदम ही डर गया। मैं ऊपर गया, मेरे को यहाँ पे फार्मस मिल चुकी थी और MP5 लेके मैं यहाँ पे पीछे लाइन में लगा के एकदम ही यहाँ पे बैठ गया और अच्छे से लूट करी और मैंने स्कार ले लिया और सबसे ऊपर भाग गया ताकि सारे बंदे भी आए तो एक एक करके आए तो मैं इजिली मार दूंगा। गाइस यहाँ पे एकदम ही नीचे मेरे चारों बंदे थे, यानी पूरी स्क्वाड थे और वो मेरे ऊपर रस करने वाली थी, तो मैंने अच्छी खासी लूट कर ली थी। और इतने में एक बंदा आ ही गया था, मैंने इसके ऊपर फायर किया किसी तरीके से और नॉक कर दिया हेडशॉट मार के। इतने में बहुत तेजी से फुटस्टेप की आवाज आने लगी, मतलब बहुत सारे बंदे नीचे थे और अचानक से एक बंदा ऊपर आता है। मैं इसको फायर करता हूँ एंड बैक जंप लेके इधर से और मारता हूँ, फाइनली इसको मैं नॉक कर ही देता हूँ यहाँ पे। और गाइस मैं समझ जाता हूँ कि और भी बंदे आते होंगे। मैं यहाँ पे जीन पे एकदम खड़ा हो जाता हूँ हेडशॉट लेने के लिए, तभी बनी बंडल आता है, एक शॉट मारता हूँ एंड गाइस इधर से मूवमेंट दिखाने लगता है। तभी मैं यहाँ पे जल्दी से पीछे टर्न लेके स्पैम करके इसको नॉक कर देता हूँ एंड गाइस लास्ट बंदा अभी बाकी रहता। मैं बहुत ही सतर्कता से इसको पूरा क्लियर करता हूं एंड क्लियर करते के साथ जल्दी से लूट करता हूं। मेरे पास काफी अच्छी खासी लूट आ जाती है, लेकिन मुझे पता है कि नीचे बहुत ही प्रो बंदा हो सकता है जो मुझे मार सकता है। तो गाइस जब लूट वूट बहुत अच्छे से हो जाती है ना, तो उसके बाद मैं नीचे जा रहा होता हूं। नीचे जाते जाते ना मुझे अचानक से फुटस्टेप आती है और मैं एकदम सामने जाता हूं। इधर ये बंदा दिखता है जो कि लास्ट बंदा होता है स्क्वाड का, और गाइस मैं इसके ऊपर फायर करता ही रहता हूं। और मेरे दिमाग में रहता है कि मैं इस पे वन टैप ही मारूं, क्योंकि वन टैप मारने का एक अलग ही मजा है। तो मैंने इसको वन टैप मारने के चक्कर में इसको आगे पीछे देख ही रहा होता हूं, यहां इधर से जाता है कभी उधर से निकलता है, मतलब मेरे को एकदम ही परेशान करता है, एकदम दौड़ा रहा होता है अपने पीछे। लेकिन मैं किसी तरीके से इसके पीछे जा रहा होता हूँ और गाइस ये देखो ये यहाँ पे होता है और फाइनली फायर करता हूँ हेडशॉट मार के क्लियर कर देता हूँ मैं इसको और यहाँ पे पूरी स्क्वाड मार देता हूँ। तो गाइस यहाँ तक तो बहुत अच्छा चल रहा होता है, लेकिन गाइस अब आने वाला है ट्विस्ट जो कि बहुत ही बुरा है और वो ट्विस्ट मतलब नहीं आना चाहिए। तो जब मैं यहाँ पे अच्छे से सबको मार देता हूँ तो लूट वूट करने के लिए आगे जाता हूँ और मैं सोचता हूँ चलो फैक्ट्री चलते हैं। तो गाइस थोड़ी देर बाद में जब फैक्ट्री पहुँच जाता हूँ तो फैक्ट्री पे आने के बाद मैं देखता हूँ यहाँ पे लूट जोन बना हुआ है और यहाँ पे देखता हूँ बंदे भी है। तो मैं फायर कर देता हूँ, कोई भी बंदा देखते तो मैंने यहाँ पे भी फायर कर दिया था और मैंने देखा वहाँ पे दो बंदे थे, दो बंदे आपस में फायर कर रहे हैं। तो मैंने कहा बीच का फायदा उठा के दोनों को मार दूंगा और अच्छे से लूट भी कर लूंगा, लेकिन किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। और गाइस जब मैं आगे यहाँ पे फायर करने जाता हूँ तो मैं देखता हूँ दो बंदे और होते हैं। मैं यहाँ पे मारता हूँ लेकिन मुझे मार देता है यहाँ पे, और क्या ही कमाल का डैमेज दिया था मुझे यहाँ पे। गाइस यहाँ पे मेरे सामने चार बंदे थे, मैं अकेला था और एक तो एडम लेके। इतने में ना पीछे से एक बंदा आता है और मैं इसको 48 का हेडशॉट मार के इधर भागता हूँ डायरेक्ट। सामने ही बंदे होते हैं लेकिन ये पिंक वाला इधर जा रहा होता, सामने बस एक ही बंदा होता। मैं इधर आता हूँ और यहाँ बैठा रहता, मैं इसको जंप लेके फायर करता हूँ लेकिन वॉल लगा के भाग ही जाता हूँ, क्योंकि मुझे पता है यहाँ पे बहुत सारे बंदे थे। लेकिन यार थोड़ा बहुत अटक वटक जाता हूँ, लेकिन किसी तरीके से जान बचाते हुए इधर भागता हूँ और मैं आ जाता हूँ इस वॉल के पीछे। और वॉल के पीछे आते मैं इनको पूरी तरीके से नॉक कर देता हूँ, लेकिन तभी अचानक से मेरे को नॉक कर देता है। और गाइस जैसे ही मैं नॉक होता हूँ मुझे यहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत देखने को मिलेगी, और वो ये मुझे लगता है कि ये लोग कुछ भी नहीं करेंगे, मुझे जस्ट क्लियर कर देंगे। लेकिन सबसे पहले ये इस बंदे को रिवाइव करते हैं, ये बनी BTS बंडल एप प्लेटो बंडल, और ये ग्रुप बना के मेरे ऊपर लोल इमोट दिखाने लगते हैं। और गाइस मैं तो खुद सोच के मतलब हैरान हो जाता हूँ कि ऐसा मैंने क्या किया इनके साथ कि ये लोग मुझे इमोट दिखा रहे हैं। मतलब एक एडम होने के नाते, एक नो टॉप अप प्लेयर होने के नाते मेरे को इमोट दिखा रहे हैं एंड चिढ़ा रहे हैं। मतलब क्या यार, तुम लोग टॉप अप करते हो एंड भाई ये भी हो सकता है, और पता नहीं क्यों इमोट दिखा रहे हैं चारों बंदे। तो जब मैं यहाँ पे पूरी तरीके से फिनिश हो जाता हूँ, उससे पहले तो यार इन्होंने मुझे छोड़ा नहीं, इमोट दिखाते रहे। तो फिनिश होने के बाद मुझे यहाँ पे रिवाइव मिलता है जो कि मेरे टीममेट होते हैं, मुन्ना भाई करके नाम है इनका। तो ये मुझे जैसे ही रिवाइव देते हैं ना, तो मैं सबसे पहले तो अपने टीममेट के पास ही उतरने का सोचता हूँ जो कि हंगर होता है, और मैं सबसे पहले नीचे जैसे उतरता हूँ अपने टीममेट से लूट लूटता हूँ जो कि मुझे लेजेंड FF नाम के टीममेट देता है, और वो सारा लूट मुझे दे देता है जिससे कि मैं बहुत ही ज़्यादा ओवर पावर हो जाता हूँ और लेवल 3 का वेस्ट वगैरह सब कुछ मुझे मिल जाता है। लेकिन ट्विस्ट अभी भी बाकी है। तो थोड़ी देर बाद क्या होता है कि जब मैं यहाँ पे अच्छे से लूट वगैरह कर लेता हूँ, तो मैंने अपने टीममेट को देख ही रहा होता और मैं ये देखता हूँ कि इसकी किसी से लड़ाई हो गई, और लड़ाई किससे हुई है, बनी बंडल से जिसने मुझे इमोट मारा था वहाँ पे। और मैं ये देख के हैरान हो जाता हूँ। और गाइस यही नहीं, सबसे बड़ी बात तो ये थी कि ये लोग टीम अप कर लेते हैं और ये अचानक से इसको मारने भी लगता है, और मैं कहता हूँ बस देखता ही रहता हूँ कि इसके टीममेट तो नहीं होंगे, और गाइस इसके टीममेट भी रहते हैं। बस इतने में मैं समझ जाता हूँ कि अब जो है इसको ये मारने वाले हैं, और बस मैं सोचता हूँ कि अब मैं इनके पास जल्दी जाऊँ, इसकी हेल्प करूँ मैं अपने टीममेट की। और इसलिए गाइस मैं यहाँ पे बैठा होता हूँ और मैं झट से जाने की
कोशिश करता हूँ। मैं समझ जाता हूँ कि ये मारने वाले होंगे क्योंकि गाइस इसके सारे टीममेट उधर भी आ जाते हैं, इधर भी आ जाते हैं, और मैं जैसे ही जाता हूँ तब तक ये लोग नॉक कर देते हैं इसको। और मैं पहले ही समझ जाता हूँ, लेकिन मैं कहता हूँ इस बार छोड़ूंगा नहीं। और बस फिर क्या, मैंने यहाँ पे एक हेडशॉट मारा और उसके बाद गाइस एक वॉल लगाया जो कि मेरे पास एक ही थी, और एक बंदे को हेडशॉट देने की कोशिश की और इसको भी हेडशॉट देने की कोशिश की, लेकिन लग नहीं रहा था। लेकिन फाइनली एक को हेडशॉट लगा एंड गाइस ये वाला भी बचा था, और इसको भी हेडशॉट मारने की ट्राई करी और इसको भी हेडशॉट। लेकिन गाइस अभी भी ट्विस्ट बाकी था। मैं जब लास्ट वाले को मारने जाता हूँ तो मुझे नॉक कर देता है, और जैसे ही मुझे नॉक करता है ना, मैं समझ जाता हूँ कि एक बार फिर से इमोट दिखाएगा, और दिखा भी रहा था। ये तीनों रिवाइव हो जाते हैं और ये तीनों मेरे को एक बार फिर से इमोट दिखाते हैं, और भाई मतलब बहुत बुरा लगता है कि क्यों इमोट दिखा रहे, क्यों इमोट दिखा रहे। एक तो मेरे टीममेट को भी मार के इमोट दिखाया, टीम अप किया उसको भी मार दिया, भाई इतना बुरा लगा ना उसको टीम अप करके मार दिया। मुझे तो छोड़ो, मतलब टीममेट को भी नहीं छोड़ा। मतलब कि यार इन लोगों को ना नो टॉप अप प्लेयर की रिस्पेक्ट करनी आती नहीं है, ये लोग कुछ समझते नहीं है नो टॉप अप प्लेयर की। और बहुत बुरा लग रहा था यार जब इमोट दिखा रहे थे, लेकिन मैंने कहा कोई बात नहीं, बस एक बार मैं रिवाइव हो जाऊँ उसके बाद मैं बताऊँगा। और गाइस थोड़ी देर बाद ही जैसे ही मैं मरता हूँ, मुन्ना भाई मेरे को एक बार फिर से यहाँ पे रिवाइव दे देते हैं जून में रह के। और गाइस मैं इस बार सोच लेता हूँ कि बस इस बार आखिरी बार है इनका, और मैं वहीं पे वापस उतरता हूँ हंगर पे जहाँ पे कि इन्होंने मुझे मारा था, और मैं डरता नहीं हूँ इनसे। और गाइस उतरते उतरते ना मैं एक चीज़ और सोच रहा था कि हमेशा नोट ऑफ अ प्लेयर के साथ ऐसा क्यों होता है, उनके ऊपर इमोट दिखाया जाता है, उनको नूब बोला जाता है, ग्रुप में नहीं लिया जाता है। मतलब क्या ही बोलो यार, ऐसा ही होता है फ्री फायर कम्युनिटी में। मतलब कि कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो, बस मैं एक अकेला क्रिएटर बस नो टॉप अप नो टॉप अप करता रह जाता हूँ, लेकिन बाकी सब लोग टॉप अप टॉप अप टॉप अप, और बस 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 बुराई फैलाने में लगे रहते हैं। मतलब क्या ही बोलो। तो गाइज प्लीज़ यार सपोर्ट करना भाई, तुम लोग के भरोसे बैठे, सब्सक्राइब कर देना चैनल को और लाइक भी कर दो। और अगर मैं ये रिवेंज ले लेता हूँ तो गाइज आप इस वीडियो पे 300,000 लाइक का टारगेट है कंप्लीट कर दोगे अगर मैं रिवेंज ले लेता हूँ तो। एंड हाँ गाइज चैनल को अगर सब्सक्राइब करोगे ना तो प्लीज़ बेल वाला आइकन भी ऑन कर लेना, ताकि मेरी कोई भी वीडियो है ना तो सबसे पहले तुम्हारे पास पहुँचे। वैसे मर्जी है तुम्हारी, सब्सक्राइब कर भी सकते हो नहीं भी कर सकते, ठीक है। और वीडियो का लाइक जरूर कर देना क्योंकि गाइस एक नो टॉप अप प्लेयर की रिस्पेक्ट की बात है। एंड लास्ट में बोलना चाहूंगा कि हैशटैग नो टॉप अप प्लीज स्पैम कर देना पूरे कमेंट में, ताकि पता लग जाए नो टॉप अप की क्या पावर है। तो हैशटैग नो टॉप अप स्पैम कर दो। तो वहां पे तो बंदे नहीं मिले थे, मैंने बहुत ढूंढने की ट्राई की, लेकिन यहाँ पे बंदे मुझे अभी थोड़ी देर में मिलेंगे। और गाइस लास्ट जोन भी आ चुका था, और गाइस ट्विस्ट अभी बाकी है। तो मैं जब यहाँ पे आ जाता हूँ ना, तो सबसे पहले तो मैं बंदे ढूंढ ही रहा होता हूँ, और मेरा टीममेट पीछे रहता है। इतने में एक फायर की आवाज आती है जो कि पीछे से होती है, और मैं देखते ही हेडशॉट मार देता हूँ पहले बंदे पे और पूरा क्लियर कर देता हूँ। मैं समझ जाता हूँ कि इधर और भी बंदे होंगे, तो मैं इधर उधर जल्दी से जाता हूँ और ढूंढता हूँ कि और बंदे कहाँ हैं। तभी मुझे दिखता है सामने एक बंदा है, मैं इसको एक ट्राई करता हूँ हेडशॉट मारने की, लेकिन एक भी गोली टच नहीं होती। फाइनली 72 का लगता है, अब मैं समझता हूँ कि बॉडी मार के इसको मार देता हूँ, और मैं इसको दो बॉडी मार के नॉक कर देता हूँ। एंड गाइस लास्ट बंदा एकदम मुंह पे आ जाता है, मैं इसको हेडशॉट मारने की ट्राई करता हूँ, लेकिन इसमें हेडशॉट लग ही नहीं रहा होता, लेकिन मैं किसी तरीके से अपनी पूरी मूवमेंट दिखा के इसको मारने की ट्राई करता हूँ। एंड फाइनली तीनों को मैं मार ही देता हूँ, और यहाँ पे मैं अप डाउन दिखाता हूँ, मैं इनको डिसरिस्पेक्ट नहीं करता हूँ, ताकि इससे ये रहे कि फ्री फायर कम्युनिटी में पीस बना रहे, क्योंकि गाइस किसी को भी डिसरिस्पेक्ट करना बहुत बुरी बात होती है, समझ रहे हो। लेकिन गाइस अभी भी एक चीज़ हमें नहीं भूलनी थी कि अभी भी वो बंदे हैं जिन्होंने मेरे को इमोट दिखाया था, मेरे दोस्त को इमोट दिखाया था, वो अभी भी बंदे हैं, वो एनिमीज़ हैं, और हमें उनको ही मार के रिवेंज लेना है। और अगर गाइस मैंने उनको मार दिया तो आप सभी लोग चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है। तो गाइज होता क्या है, इसके आगे जब मैं यहाँ पे ऐसे जा रहा होता हूँ तो मैं एक चीज़ नोटिस करता हूँ कि ऊपर से कोई मेरे टीममेट को मारता है। मैं देखता हूँ ऊपर कौन है, तो मैं जैसे ऊपर देखता हूँ यहाँ पे एक बंदे को मार के हेडशॉट मार देता हूँ, और मैं देख लेता हूँ उनको कि ये वही स्क्वाड है जिसने मेरे को मार के इमोट दिखाया था, और मैंने जिसको नॉक किया था ना, मैं सोचता हूँ उसको क्लियर कर दूँ, लेकिन तब तक वॉल लगा के मतलब वो रिवाइव कर रहे होते। इतने में मैं एक और बंदे को इसको मार के नॉक कर ही देता हूँ, और इसको तो क्लियर नहीं कर पाता, लेकिन इसको जरूर मैं क्लियर कर देता हूँ पूरी तरीके से। लेकिन इतने में मेरे स्क्वाड का जो मेंबर होता है टीममेट को मार देते हैं ये लोग, और मार के यार इसको पूरा नहीं मारते, मैं समझ जाता हूँ कि इमोटी दिखा रहे होंगे, और बिल्कुल ये लोग इमोटी दिखा रहे थे। और यही नहीं, इन्होंने एक काम और किया, वॉल तोड़ के मेरे को जानबूझ के इन्होंने इमोट और दिखाया मेरे सामने, और भाई बहुत बुरा लग रहा था जब ये इमोट दिखा रहे थे, लेकिन मैंने कहा कोई बात नहीं 1v3 तो मारूंगा ही। और मैंने इसके हेड के ऊपर एम लेने की कोशिश की, लेकिन डिफॉल्ट एम पे हेड लग ही नहीं पाता, ठीक है। लेकिन इधर वाले पे एक हेडशॉट लगा और इधर वाले पे भी हेडशॉट लगा, और गाइस एकदम से गेम चेंज हो गया। अब बस लास्ट वाला ही बंदा बाकी था, मैंने कहा इसको भी हेडशॉट ही
मारेंगे। इन्होंने गाइस बहुत ही मोड दिखाया था मेरे ऊपर, मेरे टीममेट को भी दो दो बार। भाई बहुत गुस्सा आ रहा था इसको मारते वक्त, और मैंने बहुत गुस्से में ना वन टैप भी नहीं लग रहा था, लेकिन मैं समझ गया था कि अपने गुस्से को काबू में रख के रिवेंज लेना है। और तभी गाइस मैंने कहा कि बॉडी मारेंगे, और गाइस ये देखो ये वन टैप ही किया था, इसको तो कोई शर्म ही नहीं। लेकिन फाइनली मैंने इसको हेडशॉट मार दिया और यहाँ पे मेरा रिवेंज कंप्लीट हो गया। रिस्पेक्ट नोट ऑफ अ प्लेयर।